नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ चैनल हेल्थ इज वेल 0610 में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको यूरिन रुक जाना है, अचानक से जो यूरिन रुक जाता है उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बताऊंगा। अचानक से यूरिन रुक जाता है, जैसे आपने देखा हो कि उसमें आदमी बहुत तड़पने लगता है, उसको हॉस्पिटल जाने जैसी कंडीशन हो जाती है, और ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये बनाने का ख्याल अचानक से मेरे दिमाग में कैसे आया? वैसे तो मैं यूरिन इन्फेक्शन में बनाने वाला था आज का वीडियो जो था, लेकिन ये बनाने का ख्याल कैसे आया कि अचानक से कल रात को ही मेरे एक पुराने स्टूडेंट है, उनका फ़ोन आया कि सर मेरे से ऐसे मेरे फादर को, वो डॉक्टर है BMS, उनका फ़ोन आया कि सर मेरे फादर को यूरिन रुक गया है, कुछ यूरिन हो नहीं पा रहा है उनको, क्या करूँ, बहुत तड़प रहा हूँ, क्या उनको अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए? तो मैंने बोला नहीं, आप जब तक के लिए पॉइंट ट्राई करके देखिए, अगर इससे हो जाते तो ठीक है, नहीं तो आप करवाइएगा। तो उनको मैंने पॉइंट्स बताए दो, तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया, और 5 मिनट बाद ही उनका फ़ोन आया कि सर यूरिन हो गया है उनको। तो मैंने बोला बहुत अच्छी है, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन हम किसी के साथ भी, किसी के घर में भी हो सकती है, और ऐसी टाइम में हो सकती है जब डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो एमरजेंसी लाइक कंडीशन के लिए तो इसका ट्रीटमेंट जरूर बताया जाना चाहिए। और वैसे ये जो ट्रीटमेंट है, मैं जो मेरी एमरजेंसी क्लास होती है उसमें बताता हूँ, ऐसे 16 से ज़्यादा एमरजेंसी लाइक कंडीशन का बताता हूँ, वो अगर आप हो सके तो वो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ऑनलाइन अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वो उसके ज़रिए आप किसी की लाइफ बचा सकते। उसमें हार्ट के लिए हार्ट अटैक आ गया है आधी रात को किसी को, तो क्या ट्रीटमेंट देना है, अस्थमा का अटैक आ गया तो क्या ट्रीटमेंट, ऐसे मैंने बहुत बताया। तो वो आप देख लीजिएगा कि कभी क्लास हो रही होगी तो वो आप क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, वो आपके घर में सबको आना चाहिए, वो फर्स्ट एड जो मैंने बताया एक्यूप्रेशर में, उससे आप किसी की जान बचा सकते हैं, अपनी फैमिली के, अपने यार दोस्तों की, और रियल हीरो बन सकते हैं, तो वो आप जरूर कीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं इसकी। यूरिन रिटेंशन देखिए दो तरह का होता है, जो एक जो कि अचानक से रुक जाता है, एक होता है कि अचानक से रुक जाता है, और दूसरा होता है कि इसमें 4-5 दिन पहले धीरे धीरे या जलन होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे यूरिन होना कम हो जाता है, और अचानक से आके रुक जाता है। ऐसी दो कंडीशन में होता है, बाकी अन्य भी कंडीशन है जैसे किडनी ख़राब होना और अन्य वजह से भी होता है, ये दो कारण होते हैं। और जो मुख्य कारण है जो यूरिन रुक जाना का अचानक से, उसका जो कारण है यूरिन रिटेंशन जो जिसको बोलते हैं, उसका होता है प्रोस्टेट बढ़ना। पुरुषों में प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है उसकी वजह से अचानक से इसी स्टेज पे आ गए यूरिन कभी रुक जाता है, उनका बंद हो जाता है, और उसमें पेशेंट बहुत तड़पता है। और दूसरा कारण जो है मूत्र नली जो होती है उसमें रुकावट आ जाना, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी किडनी स्टोन आके उसमें फंस जाता है, या कोई गुप्त रोग हो सकता है उसकी वजह से भी वहाँ स्वेलिंग या जख्म होकर रुकावट हो जाती है, तो इसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो इसका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। मूत्र नली में रुकावट आना, यानी कि उसमें रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से यूरिन रुक जाता है, और उसमें आदमी को बहुत तड़प होती है। इसके अलावा अन्य कारण भी है, जैसे कि मैंने बताया किडनी ख़राब होना, या कभी यूरिन कम बन रहा है तो उसकी वजह से वो किडनी ख़राब होने वालों को यूरिन कम बनता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन कम होता है। और भी जब आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका सब ऑर्गन कम काम करते, तो यूरिन में रुकावट आनी शुरू हो जाती है किसी किसी को। अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो आपको ये ट्रीटमेंट देना है। एक्यूट यूरिन रिटेंशन में आपको तुरंत ये ट्रीटमेंट देना है जो मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है K1, जो आपके पैर के तलवे में है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और दूसरा पॉइंट है आपको यहाँ पर प्रेशर देना है, आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के सेंटर में यहाँ पर प्रेशर देना है 1 मिनट के लिए, इस तरह से इस एरिया में ऐसे प्रेशर देना है दोनों हाथों में। सबसे पहले के उस पे K1 के बाद सेकंड पॉइंट ये है, यहाँ पर दोनों हाथों में प्रेशर देना है इस तरह से। चलिए अभी K1 दिखा देते हैं आपको, जो मेन पॉइंट है वो है आपका यहाँ पर, ये देखिए पैर में यहाँ पर, ये दोनों के बीच में आए यहाँ पर, ये K1 पॉइंट है, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है इस तरह से। इस तरह से प्रेशर देना 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक यूरिन हो नहीं सकता। पेशेंट को लिटा कर भी दे सकते हैं और मिठा कर भी, इस तरह से, ये देखिए इस तरह भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, और सीधा इस तरह से प्रेशर देकर भी दे सकते हैं। दोनों पैरों में ये ट्रीटमेंट आपको देना है, दोनों पैरों में देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा आपको दोनों पैरों में ये ट्रीटमेंट देना है। दोनों पैरों में ये ट्रीटमेंट देते ही पेशेंट को बहुत आराम आने लगा। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय बता देता हूँ मैं, और नाभि के नीचे बर्फ़ लेकर आइस को एक कपड़े में बांधकर आपको नाभि के नीचे उसकी सिकाई करनी है, इससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक जो हमारी नेचुरोपैथी में यूज़ किया जाता है वो होता है जंप कराना, हाथ ऊपर करके पेशेंट को जंप करवाना, उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। वो मैं उसकी जगह मैं एक सुपरमैन एक्सरसाइज भी करवाता हूँ, जो हमारी डांस में हेल्थ डांस है उसमें करवाता हूँ, तो ये
इससे भी यूरिन स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो दोनों हाथ ऊपर करके जो करते हैं जंप करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाएंगे। अक्सर ये जो यूरिन रिटेंशन बुजुर्ग लोगों को ही ज़्यादा होता है, जिन बेचारे बेड पे पड़े उनके लिए नहीं है, जो यंग लोग हैं उनको कभी हो गया तो वो लोग ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है, सब लोग पॉसिबल ही नहीं करना। उनके लिए वही है K1 पॉइंट, ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कई लोगों को मैंने आज तक बताया और सबके लिए अच्छा, और डॉक्टर्स लोग भी यूज़ कर चुके हैं, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, उनके फैमिली में भी यूज़ किया जाता है, अक्सर कई डॉक्टर्स को मैंने बताया और उनको भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ, वो आगे भी बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगा ये सबके साथ शेयर करना चाहिए, अगर आपको भी अच्छा लगे तो ये सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी लाइक कंडीशन में हॉस्पिटल भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होते, दूर होते, और आदमी का हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसमें वो लोग एक नली डाल के उससे उसके जरिए मूत्र को स्टार्ट करते हैं, इस तरह से बड़ा प्रोसीजर हो जाता है, पैसा भी बहुत खर्चा हो जाता है और आदमी परेशान भी बहुत हो जाता है। तो उसके जगह पहले ये करके देखिए, ये नहीं होगा तो आपको तो हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मूत्र को आप ज़्यादा देर इस कंडीशन को रोकने से वो किडनी आपकी ख़राब हो सकती है इससे। तो इसको सीरियस लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों का यूज़ हो जाए, बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाएगा आपकी वजह से, आपको दुआएं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।